सूरज कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, भवानी बीघा। भवानी बीघा, बीघा कौन सा जिला है? नवादा जिला है। ये दो नंबर का काम कब से कर रहे हो? दो साल से कर रहे हो। दो साल में कितने लोगों को चूना लगाए हो? कितने लोगों को चूना लगाए हो तुम? याद नहीं है, मतलब तुम गिनती नहीं है तुम्हें? 100, 200, 500, 1000, 2000? हाँ, हजारों में कि सैकड़ों में? हजारों में। डेली एक दो कर लेते थे तुम लोग? कितने लोग थे तुम्हारे साथ जो करने वाले काम? हमारा इलाका पूरा करता है। इलाका पूरा करता है? अपने इलाके का मत बताओ भाई, तुम अपना बताओ। तुम अकेले करते थे? तुम्हारी टीम में कितने सदस्य थे? चला जाओ, चला तुम तो पता है मैं किस चीज का डॉक्टर हूँ? किस चीज का? हाँ, देखे तो हो। कहाँ देखे हो? यूट्यूब पे। क्या करते हुए देखे हो? इलाज करते हुए नहीं देखे हो? दिमाग का इलाज भी करता हूँ, ठीक है? प्यार से समझा रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ सही सही जवाब दो। हीरो मत बनो, ठीक है? तुम्हारा बिहार नहीं है ये, छत्तीसगढ़ है, ठीक है? जो पूछ रहा हूँ सही सही जवाब दो। कितने लोग हैं तुम्हारी टीम में? दो है, एक रजनीश कुमार। रजनीश कुमार है, क्या काम करते हैं रजनीश कुमार साथ में? आप क्या करते हो, वो क्या करता है? हम सिर्फ डाटा देते हैं। क्या देते हो? डाटा देते हैं। डाटा, डाटा देने की तैयारी और सिखाई कहाँ से मिली तुम्हें? हम दिल्ली से सीखे। दिल्ली से सीख के आओ, दिल्ली रिटर्न हो तो। दिल्ली में कहाँ से सीखे हो? डेवलपर से सीखे होगी कैसे उसको कॉपी करते हैं। और यूट्यूब से भी देख के सीखे। यूट्यूब से भी देख के सीखे हो? कितना पढ़े हो जनाब? बीएससी फाइनल। कहाँ से कर रहे थे बीएससी? वारिसलीगंज से। बीएससी कब? मगध यूनिवर्सिटी से। एक चीज़ बताओ, तुम दिल्ली में ट्रेनिंग करे कब आए? ट्रेनिंग नहीं किया सर। कब सीखे दिल्ली में? तो पहले कोई करता था, वही सिखाया था। कब? कितने साल पुरानी बात है? डेढ़ साल, 3 साल। देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो नहीं सीखोगे मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। मुझे पता ही नहीं है मेरा अभी। दो साल पहले सीखे हो तुम, उसके बाद क्या किए तुम? आज नवादा आ गए। नवादा में काम शुरू करना है, ये तुमको किसने दिया प्रेरणा स्रोत? कोई नहीं दिया, सब करता था तो उसी को। आप भी लग गए, देखा बहुत प्रॉफिट का काम है। तो आपके साथ और एक रजनीश था, वो क्या काम करता था साथ में? आप तो इसको बनाते थे, रजनीश क्या करता था? काम करते थे। तो ये फ़ोन कौन करता था इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए? फ़ोन कर करके जो घेरता था वो कौन था? फ़ोन वही करते थे, हम फोन में करते। रजनीश फ़ोन करता था? रजनीश की आवाज़ इतनी सुगम है क्या कि वो तुरंत लोग को घेर लेता था? केवल वही फ़ोन करता था? और भी पूछूंगा प्रार्थियों से, कोई महिला भी करती थी, केवल पुरुष करते थे? महिला बस पुरुष करते थे। ऑल मेल टीम थी तुम्हारी? तुम हो गए, रजनीश हो गया, और हम और रजनीश करते थे, तुम दोनों मिलके करते थे। टोटल कितने करोड़ का तुम लोग चपाट लगा चुके हो पिछले 1.5 साल में? करीबन बताओ ना, करीबन बताओ। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, कितना तुमको लगता है? 2.5 करोड़। हाँ, 5 करोड़ से ज़्यादा। तो पैसे करते क्या थे? जब पैसे आते थे हमारे नहीं होते थे। किसके होते थे? 50% तो जो अकाउंट देता था उसका हो जाता था, 30% किसी और को। किसको और को? जो रजनीश है। रजनीश 30, तुम 20 और वो 50, तो तुम्हारे हाथ में कितना आया? 20% 20%, तो 10 करोड़ का धोखाधड़ी किया। 50, 30, 80 कोई बात नहीं, जो बोल रहा है बोलने दो भाई, मैं सिखाते तुमको। कोई बात नहीं, 20% कितना हुआ? हमारे अकाउंट को भी चेक करेंगे ना हम लोग, कितना पैसा आया उस अकाउंट में? कितना आया होगा तुम्हारे हिसाब से? मेरा अकाउंट में 2-4 लाख। बाकी तो निकाल के खर्च कर दिए। खर्च क्या किए तुम 20% का? खर्च नहीं, उतना ही पेमेंट। पेमेंट तुम अपना चला रहे हो फ्रेंचाइजी और बोल रहे हो पेमेंट? इतने भोले भाले लोगों को तुम बेवकूफ़ बनाते थे तुम लोग, कुछ शर्म नहीं आई तुम्हें? डर नहीं लगा कभी? डर क्या तुम्हारे, सब करते तुम भी लग गए उस काम में, और पूरा तुम्हारा किया धरा है पूरा ये सब। किसको फोन लगाना है ये कैसे तुम लोग
निर्णय लेते थे कि इसी आदमी को फोन लगाना? कुछ काम हम नहीं किए हैं सर, सिर्फ पेपर मेरे पास था। अरे भाई तुम तो संत, पेपर क्यों रख लिए अपने पास? पेपर जैसे कोई कर रहा था, नया काम चालू हुआ मार्केट, सिखा रहे थे, तुम उसके मेंटर बने हुए थे उनके? नहीं सर, जैसे कोई काम चालू हुआ मार्केट में, हाँ, तो हमको भी लगा हम करेंगे, तो उसके साइट पे हम फॉर्म भरते थे, फॉर्म भरते थे तो वो हमको कॉल करता था। जनाब वो 250 तो वेबसाइट मिले हैं, दिखाओ जरा उसको घुमा के, ये दिखाना। तो वही बोल रहे हैं ना, हाँ, हम कॉल करते थे, ठीक है। अरे भैया नए फर्जी है वो, मुझे सुना रहे हो तुम कहानी? दिखाना। हाँ ये सब कहाँ से आया फर्जी वाले? ये किसने? तो मेरा है सर। हाँ सीख रहे, जो अगला करता था। हाँ कितने हैं टोटल ये? कितने हैं टोटल ये? 240 लिंक सर। मतलब कम से कम एक एक पे एक एक कोई बेवकूफ बना नहीं है, जैसे हम सेव करके रखे हुए, मतलब कोई बना रहा जो जिसका चल रहा था, हम उसका स्नैपशॉट करके रखे हुए थे, ताकि हम लिंक है, लिंक है, हम भी करेंगे बाद में जो हम नहीं, वर्किंग लिंक है तुम्हारा, होस्टेड है। अरे सबका अलग होस्टेड है ना सर। चलो अरे लैपटॉप में है ना। अरे यार लैपटॉप लिंक हम रखे हुए, छोड़ दो, पुलिस की सेवा की आवश्यकता है? बिना सेवा के कहाँ मेवा मिला है? क्यों भाई जानकारी ऐसे मिल ही नहीं सकती? तू बिहार से आए हो अभी, छत्तीसगढ़ की भूमि, यहाँ पे कुछ खाओगे पियोगे तो थोड़ा बताओगे? क्यों नहीं कि प्यार से ही बता दोगे? प्यार से ही बता बता। चलो इसके पिताजी बताएंगे, ज्ञान देंगे, तो बड़ा ढीट टाइप का बंदा है। अरे तुम ढोकरा हो, तुम कहाँ इस काम में घुस गए? हम इस काम कर रहे हैं। तो दुकान है टायर का, दुकान है टायर का, टायर का दुकान है, मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग, इंजन तक बनाते हैं। इंजन तक बनाते हो? तो ये हेलीकॉप्टर उड़ाने और ये सब काम में क्यों लग गए? जैसे हम छोटा बेटा करते थे, अभी मैंने शादी किए ना, हाँ। पहले रहता था बाहर में, बाहर में वहीं सीख के आया है। शादी किए तब से भलो यहाँ आया है, उसके बाद शादी के बाद बिगड़ा है, पहले तो अच्छा इंसान था ऐसा। कहाँ शादी कर दी है साहब? जमुई जिला में किए, तो इतना पैसा कमाने लग गया था, तो आपको कोई डाउट नहीं हुआ कि इतना पैसा? आज तक पूछे तो हमको देता 70-80 हजार रुपए हम ही कमाते हैं सर, दुकान से। दुकान से? दुकान किसके पैसे से लगा? जिन्हें पहले 20 साल से हम दुकानदारी करते हैं सर, आज से नहीं, कहीं से भी नहीं। तो कहीं से पैसा मिलता था? नहीं मिला कभी? लिया आपने इससे? नहीं लिया सर, हम नहीं लिए सर, पैसा नहीं लिया। और ये क्या क्या खरीदा इन पैसों से? गाड़ी उड़ी खरीदा आपने? कौन सा गाड़ी खरीदा जनाब? अपने जनाब आप अंधे हो क्या? स्कॉर्पियो खरीदा। स्कॉर्पियो खरीदा तो मुंह से आवाज नहीं निकल तुम्हारी? तो बोल तो रहे सर, इसके साथ आपको भी सेवा चाहिए कि बिना सेवा फुल के काम हो जाएगा? कुछ नहीं जानते सर। हाँ तो स्कॉर्पियो तो अभी आप ही बताए ना, कब खरीदे जनाब स्कॉर्पियो? यही 5-7 महीना हुआ, 6 महीना पहले। तो आप पूछे नहीं सर, तुम काम तो अभी शुरू किए और स्कॉर्पियो पहले खरीद लिए? स्कॉर्पियो पहले से भाड़ा चलता था, ईएमआई पर है गाड़ी। ईएमआई पे है? कितना कितना इंस्टॉलमेंट दिए हो? उसमें दिए हैं 2 लाख। और बाकी? बाकी ईएमआई चल रहा है सर। इसका स्कॉर्पियो कहाँ है सर? उस समय हमें पता नहीं था ईएमआई पे, तो हम जब नहीं किए, नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो स्कॉर्पियो का दस्तावेज निकालना। हाँ ईएमआई हमारे पैसे से दिया ना सर? हाँ पूरा, तो यही जब्ती हमारे पैसों से ही हो रही है। लोगों को चूना लगा रहे हो और स्कॉर्पियो में घूम रहे हो गोल गोल। और क्या क्या खरीदा जनाब ने? आम नहीं खरीदे सर। हाँ आम कुछ नहीं खरीदे। घर पर भी खरीदा क्या ये? इतना पैसा करता क्या था ये सर? पैसा क्यों करता है जी, यही बताएगा? अरे आप नहीं जानते। अरे पिताजी हो यार तुम। पिताजी हमारे पास कुछ बताएगा तब ना सर। किसको बताता था सब चीज? हम तो कह रहे हैं कि हम दुकान करते हैं, छोटा लड़का हम दुकान चलाते हैं सर, हमारा अपना दुकान है, टायर का है, मोटरसाइकिल का है। क्या क्या चीज़ दुकान है तुम्हारा? टू व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक टायर हम बेचते हैं सर, उसका पंचर भी बनाते हैं। पहले साइकिल और मोटरसाइकिल का भी बाइक अथी ठीक करते हैं। तो अच्छा है, जेल जाओगे तो सब चीज़ ठीक करना वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे बहुत काम पड़ेगा। करवे करते हैं तो आप झूठ थोड़े बोल रहे हैं। इधर आ जाओ, मेरे पिताजी को भी तुमने भावुक कर दिया बिल्कुल। तुम्हारे उनको पहले अमाउंट जो इतना पैसा तुम्हारे पास है, और क्या करते थे भाई इन पैसों का? पूरा पैसा नहीं आता था मेरे पास। तो थोड़ा ही आता था, लेकिन लोग का तो पूरा चूना लगाते थे ना आप? डेली किस समय शुरू करते थे ये फोन लगाना लोगों को? 10 बजे। कब तक लगाते थे फोन शाम को? 5-6 बजे तक, मतलब 8 घंटे डेली फोन लगाते थे। एक आदमी से कितने मिनट बात करते थे? 5 मिनट एक आदमी से बात करते थे। टोटल मिनट 8 घंटे में कितने मिनट हुए जनाब? 480 मिनट।
चार सौ 80 मिनट में 5-5 मिनट डेली बात करते थे एक आदमी से, कम से कम 100 ग्राहकों को डेली चूना लगाते थे आप लोग। हाँ नहीं फर क्या अब मैं क्या गणित का स्टूडेंट नहीं हूँ क्या? सर इतने पढ़े लिखे लोगों बात कर दे, क्या बात कर रुको रुको आपको कॉल, चलो इसको फोन पकड़ाओ जरा मेरा, चलो रुको 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 यार क्यों परेशान हो रहे, नहीं मैं लगा रहा हूँ ना अपने फोन पे, जैसे दूसरे फोन पे चलो लगाओ फोन मुझे, बताओ बात करो कैसे बात करते थे, चलो कौन बात करते थे, चलो अगली बार तुम्हारे रजनीश को भी ले आएंगे जेल में, साथ में रहेगा दोनों, फोन फोन खेलना वहाँ पे। सर ये सब के बारे में पूछिए क्या यूज करता था, टेक्निकल बताते हो तुम थे ना, तुम करते क्या थे वहाँ पे, 20% मिलता है तुमको, ये सब बताओ एक एक करके क्या है? पहले सुनाते थे, सीखते थे, वो डैडी क्या करता थे? वो डैडी डोमेन बुक होता है, जोर से बोलो, डोमेन बुक होता है, क्या होता है उसमें सबको बताओ, वो डैडी डोमेन बुक होता है, करते क्या, एग्जांपल बताओ, केएफसी में क्या डोमेन लिए थे? केएफसी franchise.co.in क्लाउडफ्लेयर क्या करता है? किसी सर्वर को मतलब मेन सर्वर को दिखाना नहीं, छुपा लेता है। एक चीज बताओ मुझे, अभी ग्राहकों को बचना है इस ठगी से तो क्या करना चाहिए उनको? मान लो जो ग्राहक सब हैं, जो जनता है, वो बचना चाहती है तुम्हारे जैसे ठगों से, तो उनको क्या करना चाहिए? पहले पता करना चाहिए कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, पता करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा, कैसे पता कर सकते हैं वो? यूट्यूब से देख सकते हैं, तो हमेशा जो ऊपर जो एड्रेस आता है उसको प्रॉपर एक एक लेटर को चेक करना चाहिए, क्यों? एक भी लेटर अलग नहीं होना चाहिए। एक तो ये सावधानी लेंगे कि वेबसाइट का जो ऊपर का एड्रेस है उसको यूट्यूब में जाके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करेंगे कि एक भी अल्फाबेट अलग ना हो, बिल्कुल सेम हो, एक तो ये कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं? ऑफिस मेन ये है, इन सब का मेन ये है कि जो जिस एड्रेस से ये लोग बना के देते हैं उसमें एक या दो लेटर अलग होता है। जैसे मान लीजिए मैकडोनल्ड है, तो मैकडोनल्ड का डोनल्ड के आगे एफ लगा देंगे, मैकडोनल्ड्स बाकी सेम रखेंगे, तो जब हम खोलेंगे तो हमें आंखों का झाफा लगेगा कि ये मैकडोनल्ड का ही साइट है। उसके अंदर वो सारे पेजेज वैसे ही बनाएंगे जैसे मैकडोनल्ड के पेज में होता है, यही है ना भाई? हाँ कैसे बनाते थे वेबसाइट, टूल बताओ। क्या चीज़ वो जनरली नहीं करते हो, इसमें लोग थोड़ा सा पकड़ लेंगे, वो जनरली क्या करते हैं इन इसका भी जैसे बाकी में है @dealership.com कर देंगे .in की जगह या कुछ ऐसा। क्यों भाई कैसे बनाते हो बताओ जो जनता को, कैसे बेवकूफ़ बनाते हो? जी वो सही डॉट को जो डोमेन अवेलेबल है उसी को बुक करते हैं। जो डोमेन क्या करते हैं कि डोमेन भी अवेलेबल नहीं होता गूगल पे, वो जो है खरीदना पड़ता है। तो जैसे मान लो वो एक लेटर इधर का उधर का कहीं बिका हुआ है, तो जो अवेलेबल होगा उससे बिल्कुल नज़दीक हो उसको ये लोग खरीदते हैं और फिर करते हैं। क्यों भाई? और ये 8 घंटे बात करता था रजनीश, तो तुम्हारे साथ ही बैठ के बात करता होगा ना भाई, वो क्या छिप के थोड़ी बात करता होगा, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है जैसे? अपने जगह करता था, अपने जगह और तुम अपने जगह, मतलब दोनों अलग अलग घर में करते थे रह के। तो तुम्हारा काम था बना के दे देना और बेवकूफ़ बनाना उसका काम था। नहीं 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 सेविंग में लेते थे भाई, एक हफ्ते में फेंक देते थे 1,000 अकाउंट। टोटल कितने अकाउंट्स थे तुम्हारे पास? एक ये इंस्टॉलमेंट बताओ तो, पहला इंस्टॉलमेंट क्या बोल के लेते थे, दूसरा क्या बोल के लेते थे? केएफसी का बताओ, रजिस्ट्रेशन पहला क्या था? रजिस्ट्रेशन कितना? 155 155,000 रजिस्ट्रेशन पता है तुमको, फिर बोलो दूसरा आदमी को, दूसरा इंस्टॉलमेंट बताओ 7,75,000 क्या बोलकर? एनओसी के लिए परमिट। तीसरा लाइसेंस फीस कितना? 1,550। एक एक चीज पता है तुम्हें, तुम क्यों चाहते हो मुझे प्यार आए तुम्हारे ऊपर? चौथा बताओ, तुम जनता को इतना नुकसान कर रहे हो। दो पेमेंट से ज्यादा कोई इंसान एक ही तो देता था, तीसरा पेमेंट से आगे कोई 48 लिए हो तुम। देखो मैं तुम्हें अंतिम बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, जो साहब पूछ रहे हैं प्यार से बताना, नहीं तो मुझे यदि गुस्सा आ गया तो तुम्हारी जो बुद्धि तुम्हारी पुरानी है ना यादाश्त परमानेंट चली जाएगी।
फिर तुम्हें याद करने के, दिमाग पे लगाने के, जोर लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर इन्हीं को नहीं पहचान पाओगे तुम, ना अपनी पत्नी को पहचान पाओगे, ना पत्नी तुम्हें पहचान पाएगी, समझे? तो जो साहब बोल रहे हैं सही सही जवाब दो। केएससी का ओरिजिनल वेबसाइट है, तुम उसका कुछ दूसरा डोमेन लियो, उसको कॉपी करके रेप्लिकेट करने के लिए क्या टूल यूज करते हो? तू छोड़ दे, कॉपी कर लेते हो ना एसटी ट्रैक से, सब टेक्निकल नॉलेज बता रहे। नहीं, टेक्निकल नॉलेज जनता को उससे फायदा है, कैसे वो कैसे ठगी से, इनके जैसे ठगों से कैसे बचे, महा ठगों से, वो है। बातचीत कैसे करते थे? वेबसाइट सिक्योर है क्या तुम्हारी? कैसे? एसएसएल सर्टिफिकेट यूज करते थे। कैसे कैसे कस्टमर कैसे? और मान लो कस्टमर एक इंस्टॉलमेंट दिया, फिर देने को तैयार नहीं हुआ, फिर क्या करते थे तुम लोग? कुछ पेमेंट तो किसी के और कस्टमर को वापस भी किए, कितना के वापस भी किए हो? क्यों? अरे भैया तुम महाठग टाइप के आदमी हो, तुमको अच्छा नहीं, तुमने कहा बेवकूफ मुझे ही समझ रखा है। सही भाई, इसको प्रॉपर सेवा दो। इसको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ के किया हूँ सर, कुछ के नहीं किया। कुछ के नहीं किया, कितनों के नहीं किए हो? नंबर तो बताइए तुम, टोटल सही कितना किया है तुमने, कितने लोगों के साथ किया है? सर याद नहीं, मतलब 50, 100, 200, 500? 40-50। 50 से ज़्यादा मिले मुझे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है सर, और उस काम में और भी होता है। नहीं, तुम्हारे तुम्हारे तुमने कितना किया है? 50-60 लगभग। 50, चलो 50 भी मान लो। एक को ठगी कितना करते थे करीब? उसके हिसाब से, जो अगर नहीं जो दया कोई फर्स्ट अमाउंट में ही चला जाता था। फर्स्ट में तो खींच लिए ना यार तुम, 1,55,000। मतलब 5 करोड़ 1.5 साल में ठगी कर लिया है जनाब ने, तब भी कोई शर्म नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस तुमने 1.5 लाख दी है, तुम्हारे इंडिविजुअल नाम से देने वाला कुछ तो नहीं, तब केएफसी को देगा ना? तो उसी में तो है कि अगर कोई अकाउंट नंबर चेक, उसी में है कि अगर कोई अकाउंट नंबर चेक करा लिया तो नहीं दिया था। ये क्या है, सुनो ना आप, 10 बजे से लेके 6 बजे तक लगातार इनका हेल्पलाइन चलता था। जैसे हम केएफसी की मान ली, तो आपने नहीं दिया, छोड़ देंगे आपको, दूसरे को फोन लगा देंगे। अकाउंट नंबर ये रमेश राजेश के बता दो, केएफसी नहीं दिया, छोड़ दिया, दूसरे में लग गए। अरे यार, एक आदमी में 5 मिनट की मेहनत है, सुबह शाम तक 500 लोगों में मेहनत किया है, 500 में एक आदमी तो बेवकूफ जन्मजात है, मुर्गा क्या हम भी बन जाएंगे यार? किसी ने ध्यान नहीं दिया, बन गए। अरे हर आदमी सतर्क हो तब तो ठगी ही ना हो। ये लोग बेसिकली सुबह से ऑफिस कहाँ बनाए थे भाई? वो रमेश दोस्त का नाम क्या, रजनी, वो कहाँ में ठगी करता था? वो एक ही नंबर, कितने नंबर यूज करता था? वो एक दो नंबर करता, मोबाइल से करता था, लैंडलाइन से, मोबाइल सिम का रेट पूछे ना। सिम का रेट कितना था भाई? 750। एक ठगी में कितने, एक सिम, एक ठगी के बाद उस सिम को फेर देते थे? एक से या दो चार भी हो जाता है। दो चार लोग को बेवकूफ बनाने के बाद नया फिल्म। का ये बीएससी फाइनल तक है। ये रिस्क क्या चीज़ बताएंगे, करने के बाद बताएंगे, अभी ज़्यादा सब होगी। अभी क्या किया गया, क्या किया जाएगा? तो तुम्हारा कुछ पैसा बचा है कि सब खत्म उड़ा दिया तुमने? सब उड़ा दिए। पूरा गांव फ्रॉड करता था, बिहार पुलिस पकड़ती नहीं थी। वो उस पर ना जाते, इस पर नहीं जाते, ये तो भाई केस पे रहते हैं। वो पूरी हमेशा कोशिश करती है पकड़ना, इतना मुश्किल है इनको, बताएगा क्यों नहीं पकड़ाते हैं गांव के लोग, ये बताओ जरा। जब पुलिस जाती है तो क्या करते हैं गांव वाले, जो बच जाते हैं? पुलिस आता है तो भाग जाते हैं। कहाँ भागते हो, कैसे भागते हैं, कैसे पता चलता है, कैसे मालूम चलता है? नहीं नहीं, और सब कुत्ते पाल के रखे हैं सर, वो भागने लगते हैं, पूरा गाँव भागता है। सही बोल रहे हो तुम तो। ठीक है, तुम गाड़ी देखते हो, और गाड़ी देख के भागते कहाँ हो? गांव में ही रहते हैं। गांव में ही रहते हो, पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाती? पता नहीं, पता नहीं। कितनी बार पुलिस आई है तुम्हारे लिए? हमारे लिए 2 बार आई। कहाँ से? एक बिहार से। और दूसरा? दूसरा यहाँ से गया। छत्तीसगढ़ पुलिस को तुम कैसे पकड़ा गए? तुम भागे हिमाचल से? हिमाचल से, हिमाचल से हमने गए। तुम गए नहीं थे, आई थी ना तुम्हारे लिए? आई थी, तुम गए नहीं, तुम तो महाराजा साहब हो, तुम अपॉइंटमेंट दोगे पुलिस को कि मैं आ रहा हूँ, पेश हो रहा हूँ। कौन गया था हिमाचल में? मेरा भाई गया था। और वाइफ चली गई थी। जेल चली गई भाई और पत्नी? अरे इधर आओ बापू जी। आपका एक बेटा और बहू पहले से जेल में है क्या? आ गया सर, इसी के कारण गया है। अरे जनाब बताए नहीं, आपका पूरा घर घर पूरा तेज है। इसको कितना मना करते थे लेकिन मान भी नहीं किया था। कब जेल गए? पहले 3 साल पहले।
दो साल पहले, उसके पहले से ही काम कर रहा है ना ये तो, मतलब पहले से पहले वही काम किया गया तो सर। ओहो अब समझा, वो जो काम में गया तो उसने अपना उत्तराधिकार इनको दे दिया, तो आपने बिल लिख के इधर पास कर दिया। पहली बात सुनिए ना, अपना समय पकड़ाया ना सर, तो ढेर सा पैसा यानी कि हमरो जितना भी ढेर सारा पैसा पैसा था जो वहाँ दे दिया जा करके। किसको दे दिया? पुलिस वाले को, वहाँ लेकर चल गए। कितना लेके गए पैसा? पैसा यानी कि घर में हमारा जितना भी पैसा कितना था भाई, कितना था? 7-8 लाख रुपया घर से हमारा दुकान ला था जो लेकर के चल गए। तो वही वही कारण है जो कि काम करने लगा सर। ऐसा पहले तो फिर खरीफ था, जब देखा कि इतना पैसा वो कमा ही रहे। छापा पर आ रहा था ना, तो मेरा घर मेरा सब उसमें हमारा बच्चा कुछ नहीं करता था। बच्चा बहुत खरीफ था, उस समय नहीं करता था मेरा बच्चा, लेकिन दूसरे कोई के घर में छापा मारने के आया, इसको लेकर के चल गया। उस समय से काम पकड़ा सर। बदनाम हो गए तुम, उसी समय से काम कर। बदनाम हो गया तो भाई, जब बदनाम हो गया काम नहीं करना चाहिए, उल्टे काम में ले जाना चाहिए। उस समय नहीं करते मेरा घर। अरे भैया नहीं करते तो नहीं करना चाहिए ना, जेल जाने के लिए काम कर लिया। नहीं भाई? करते थे तब भाई और बीवी गया। भाई भी बिना किए नहीं गए जनाब, बता रहे हैं करते थे। तो तुम भागे क्यों थे? भाई बीवी क्यों तुम भाग गए? हमारा घर से उठा कर के खुले घर के चले आप सर, तो उसे कूदा उस केस के कूदा था। चले छोड़ो, चलो उस केस पे नहीं जाते। पापा की दुकान में अपना कितना इधर आया। अब आप समझ सकते हैं, एक भाई और एक पत्नी हिमाचल पुलिस द्वारा पहले गिरफ्त में लिए गए। जमानत हुई कि नहीं हुई उनकी? हो गई। गांव में या फिर कर रहे हैं सर? जमानत मिलने के बाद क्या काम कर रहे हैं दोनों? दुकान में रहता बेटा मेरा। ये साहब गए थे तो उस टाइम नहीं कर रहा है सर, छोटा बेटा कर रहा है सर। नहीं सर, हमारा साथ ही दुकान पर रहता है सर। चलो कोई बात नहीं, जेल में भी आपके साथ रहेगा, चिंता बिल्कुल मत करो। पूरा परिवार, सब परिवार जो है ना आप लोगों का, दोनों भाई करता है। सबसे बदमाश यही है, जो मास्टर माइंड है ना वो ये है। रात में भगाया सर उसको, हाँ। बाद में पकड़े हम लोग। हम कैसे गांव में ये भाग गया था, दो दिन और रुकना पड़ा हमें। अभी आपने छत्तीसगढ़ पुलिस की ताकत देखी ही नहीं है जरा। सर हम लाइव कुछ करते हैं सर, नहीं तो आपको आपका कुछ नहीं करते। आपके बेटे को ऐसे पकड़ के ले गए, बड़े बेटे को, उसकी बहू को ऐसे ही लेके गए, घर से 8 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी 4.5 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी ऐसे ही पकड़ा गया। अभी तो करवे करता है, अभी तो बता रहे हो करवे करता है तो रोकना चाहिए था ना। उसको तो बोले बोले, लेकिन हमको आज तक पूछे तो दिया है दुकानों में पैसा। हम अपना पैसा से दुकान 20 साल से हम सर दुकान करते हैं। मैं विश्वास से देखो, बच्चा बच्चा हमारे बारे में जानता है, चलकर बच्चा बच्चा, बच्चा जानता है तो बच्चा बच्चा को समझाना भी तो चाहिए था। समझाए तो करते हैं सर, अखनो तो समझाइए रहे तो, लेकिन समझते हैं तब। अरे भाई समझाते थे क्या ये? क्या चीज अब से नहीं करोगे? अब तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन निकले 20 साल 50 साल नहीं करोगे। 50 साल तुम भाषण बहुत देते हो। सब ऐसे ही है वहाँ। चलो तुम खुशकिस्मत हो, हिमाचल पुलिस आए तो बड़े भाई की पत्नी को भी ले गए, तुम कदम पत्नी को बचा लाए। नहीं सर, बड़े भाई हम ही हैं। छोटे भाई के छोटे भाई की पत्नी गई है। इसकी पत्नी और छोटा भाई है, इसकी पत्नी गई है सर। मेरा बदले उसी छोटा भाई इसकी पत्नी। अरे और यूपी पुलिस 2-3 बार रेड मार चुकी है, ये भाग जाते हैं। अरे भैया क्रॉस मेरे घर में नहीं मारा सर, बगल वाला घर में जिसका एक तो भाई। अरे भैया ये क्रॉस कनेक्शन कैसे हो गया? भाई छोटा, पत्नी तुम्हारी, जमात हो गया क्या दोनों को? हाँ सर हो गया, गांव में है सर। अब गांव में है छोटा भाई। इस कहानी में बताओ कैसे कैसे करते हो गया हो गया। छोड़ दो यार, क्यों परेशान? क्या नहीं करते हो? हम कॉलिंग नहीं करते, कॉलिंग नहीं। बाकी तुम पूरा वेबसाइट बना दिया, बाकी टेक्निकल काम है, जनता को टेक्निकल से क्या मालूम। बचने का उपाय बताएगा। हाँ ये बताएंगे प्रभात, कैसे इनको घेराबंदी किया गया? वो हम लोग एक बार टीम के साथ बैठेंगे, बता देंगे, पूरी टीम बताएगी क्या किया। अरे भाई भाग गया था यार, 2 दिन बाद पकड़े हैं, बोला तभी तो ये तो भाग गया था। अरे रजनीश कहाँ रहता है? वो उसका काम उसी उस वहीं पर है। उसको भी गिरफ्तार करेंगे, जवाब देंगे, जिससे हमारा फ्यूचर का प्लान ड्रॉप करेंगे यार। जो बताना तो हम बता रहे हैं, और बाकी सब हम तब बताएंगे जब यार आओ यार। तो तुम्हारा पूरे गांव गांव में लोग ठगी करते हैं। सीरीज है ये, बड़ा फ्रॉड है ये। ठग से लोग कैसे बचे? एक तो है कि वेबसाइट का एड्रेस ध्यान से देखें, और क्या कर सकते हैं? गलती हो गई यहां, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और हां अकाउंट सही से चेक करना चाहिए। तुम लोग कौन कौन थे राज्य के लोगों को फोन लगाते थे? इसमें किस
कोई पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर कहाँ से मिलता है तुम लोगों को कॉल लगाने? गूगल से गूगल से वेबसाइट बनाया, उसमें नंबर डाल के रखा है, लोग खुद कॉल कर लेते थे। देखिए इसमें सिंपल है, लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी ऑथराइज्ड कंपनीज है ना वो अपना पेमेंट सिक्योर पोर्टल से कराती है, जो ऑनलाइन पोर्टल्स होता है सिक्योर होता है, जिसमें टू स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है। कोई P2P पेमेंट ऐसे वैसे नहीं कराते कि आप इस अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। किसी भी कंपनी का आप डीलरशिप लीजिए, वो ऑथराइज तरीके से पेमेंट कराती है, वेबसाइट होता है उनका, वेबसाइट के थ्रू उनके PayU पोर्टल वगैरह से कराती है। ये लोग पर्सनल अकाउंट में मंगवाते थे, वो सेफ और सिक्योर है, और उसमें फ्रॉड बाद में डिटेक्ट भी हुआ तो फिर वो पैसे रिटर्न भी होते, वो बैंक्स पे भी जिम्मेदारी जाती है। ये इतने ये पैसे तुम्हारे घर से ही मिले गया? ये पैसे घर से मिले जी सर। तो तुम कैश क्यों निकालते थे, कैश कहाँ से निकालते थे? कैश हमको देता था, नहीं बोला जो 50% देता है। वही 50 कैश ला के देता था तुम? अरे भाई कोई कोई नहीं नहीं नहीं, वो जो बंदे का अकाउंट होता था वो 50% खुद रखता था, बाकी 50% अकाउंट का कंट्रोल इसके पास नहीं था, अकाउंट वाले के पास था, पैसा लाना उसकी जिम्मेदारी थी। वो ला के इनको होम डिलीवरी होता था कैश का, इसको इसका हिस्सा मिलता था, इसको अकाउंट नहीं जाना लेना भी। अरे इनको खर्चा को था नहीं, 5-10 हज़ार में वेबसाइट बन जाएगा सुबह से शाम तक, 2-400 रुपये में, 2-400 रुपये में वेबसाइट बन जाएगा सुबह से शाम तक, फ़ोन करना है। एक मुल्ला भी मिल गया, वो बेचारे का 10-10 लाख गया, इनका काम हो गया। अपने प्रार्थी ने 2 इंस्टॉलमेंट दिया था, इसलिए वो 1.5 लाख और 7.5 लाख 9-9.5 लाख हुआ था। जो 4 इंस्टॉलमेंट दिए हैं वो 48 लाख रुपये दिए हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में 22 लाख होते हैं, 22-24 लाख। कुछ लोग 3 इंस्टॉलमेंट वाले भी हैं, आप देखे थे, 1.5 के बाद 9.5 है, फिर 22.5 है, फिर 48 है। जो जितनी जल्दी संभल जाएगा उसका उतना कम नुकसान होगा। टोटल कितना बोलते थे तुम बताओ, टोटल कितना अमाउंट होता था फाइनली 10 इंस्टॉलमेंट के बाद? टोटल जो हम तुम लोग देते थे ना प्लान, कितना का देते थे? 60-70 लाख कुछ है ही नहीं। KFC का बताओ कितने का था? 96 लाख ऐसे बोलता है, 96 लाख जैसे 96 रुपये है भैया, जनता के लिए 96 लाख बहुत है, तुम्हारे जैसे महाठगों के लिए कुछ नहीं है। लोगों की गाड़ी कमाई निकल जाएगी 96 लाख में। यूपी का 48 लाख अभी तक हमें इतना ही पता चला। अरे बहुत ढीठ टाइप का आदमी देख नहीं रहे हो, चेहरे पे कोई इसका शिकन नहीं है, इसको सारी टेक्निकल नॉलेज है, ये पूरा असामाजिक तत्व तो है। हाँ बताया तो था, बताया मास्टर ट्रेनर दिल्ली का। अभी और पकड़ना है ना यार, साइबर फ्रॉड पकड़ना बहुत। कभी जेल गए हो पहले तुम? पहली बार जेल जाओगे? देखा भाई पकड़ भाग गया था ना, उसकी पत्नी को ले गए थे। तुम्हारी पत्नी क्या बताई जेल के बारे में, कितनी जेल रही हो? 14 दिन में बेल करा दी है। गुड सर, कंपाउंड करा लिया था। कंपाउंड कैसे करा बताओ जरा, 400 क्या हुआ उसमें, कैसे छूटे? बेल कराए, कितना पैसा लगा बेल में? 35,000 बेल हो गया, दोनों आ गए, दोनों का 35 हो गया, एक एक का दोनों का। अरे 35,000 में दोनों का बेल हो गया, फिर आए फिर लग गए नए काम में। कुछ खराब नहीं लगा कि जेल गए अब नहीं करना चाहिए काम? उस समय हम काम नहीं करते, गलत फहमी उसको ले। तो इसी ने सोचा कि अब तो मैं करूँगा ही, कम से कम 100-150,000 लोगों को ठगूंगा ही। तुम्हें कभी 2 मिनट लगा? खर्च हुआ था सर, 35,000 ही खर्च हुआ। खर्च हुआ नहीं है, दुकान से मेरा घर से दुकान का पैसा 7 लाख रुपए ले गए। 7 लाख ले गए प्लस हम उसको जो कस्टमर से ठगा था उसका हम पेमेंट भरे थे, तब हमारा बेल हुआ। हाँ वही कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना, कितना भरे थे? 15.5 लाख भरे थे। 15.5 लाख भरे, मतलब 15.5 लाख आया पैसा कहाँ से आया? 15.5 लाख एक खेत बेचे थे 10 कट्ठा। इधर आओ इधर आओ, ये 15.5 लाख कहाँ से आया था? 22 लाख हमें सब बच करके छोड़ा है। तो भाई सब कुछ तो तुम ही किए हो, एंजॉय ये लोग किए हैं बस। इन्वॉइस सर, जब खेत हम बेच दिए तब इस काम में लगा सर, उस समय मेरा बेटा नहीं करता। नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, 22 लाख में लग गया, हमने 50 लोगों को ठग लिया। हम ही नहीं कहते सर, नहीं तो आज तक के पूछिए एक रुपया हमको देता, हम 70-80 हज़ार रुपये महीना में अभी कमाते हैं। ऐसा कह रहे हैं, दुकान है भाई हेलीकॉप्टर
अरे भैया तुमको तो रोकना सीखा ना इसको, हम तो अपने दुकान में ही रख लेते इसको यार। छोटा बेटा तो रखबे करते, इसको भी कर रहे थे रहो तो दुकान में काम क्यों नहीं करते थे, बर्बाद हो गया तब से। उस दिन हमको वही गुस्सा आया कि जो हमारा घर का पैसा चला गया, तो इतना सीख लिया तुम, तो इतने सीख के आए, ट्रेनिंग करने निकल गए। ये तो कहानी कहानी अच्छा है, कैसे इसको मालूम चला ये चला गया दिल्ली ट्रेनिंग करने के लिए? क्या भाई नहीं गया सर, अब दिल्ली में ट्रेनिंग किया बता रहे थे, दिल्ली का आदमी था जो डेवलपर होता है। ट्रेनिंग कहाँ किया, गाँव में? कंप्यूटर टू कंप्यूटर बात। तो इसने जैसे ही ये पकड़ा गया, इसकी पत्नी और इसके भाई, तो इसको मालूम चल गया इतना प्रॉफिटेबल काम है। इसने कहा मैं यही काम करूंगा जब तक, कितने लोगों का टारगेट लिया तुमने लूटने का, 1,000, 2,000, 5,000 टारगेट लिया ही होगा ना यार, तो रुक जाऊंगा। गुस्सा कब ठंडा होता, देखो गुस्सा तुम्हारे अंदर था, गुस्सा ठंडा कैसे होता, लोगों को ठग के, तो कितने ठगी के बाद तुम्हारा गुस्सा शांत होता। शिव जी का गुस्सा भी कभी शांत हुआ ना नृत्य के बाद, तो तुम्हारा भी गुस्सा कब ठंडा होता? छत्तीसगढ़ पुलिस तो अच्छे अच्छे पर ठंडा कर देती है भाई, अभी ठंडा तो चलो भाई। गुस्सा इस बात का था कि इसकी पत्नी और इसके भाई, ये तो भाग निकला, पत्नी और इसकी भाई जो है वो ठगी में पकड़े गए हिमाचल पुलिस से, जिसके साथ ठगी किया था 15 लाख की ठगी, उसको 15 लाख पेमेंट किए तब जाके छूटे हैं। तो इसको मालूम, किसने सोचा कि इतने 15-15 लाख का एक आदमी ठगी कर लेता है एक दिन में, इस पंखे के दुकान में 70,000 टायर के दुकान में कमाऊंगा, यहाँ तो एक दिन में 70-80,000 कमाऊंगा। इसने खुद माना कि 5 करोड़ इन्होंने ठगी किया है, तो अकाउंट में आ गया मतलब डिटेल, 5 करोड़ की ठगी 1.5 साल में हुई। अदि उसका 20% भी माने, ये भाई बता रहा है, तो भी कम से कम 1 करोड़ की पैसा इसको मिला है सर। वो 2.5 करोड़ माना है सर, कमाया 2.5 करोड़ तो खुद ही माना है, 2.5 करोड़ कमाया है। अदि वो 18 महीने में 2.5 करोड़ कमाया है, तो दिन महीने का कितना हुआ बताओ? महीने का कुछ भी नहीं हुआ तो 15 लाख रुपए हुआ। सर इसमें उन कंपनियों से बात हुई है जिनकी फर्जी अकाउंट बने हैं, वो सब करना है करना। मतलब अब आप सोचो, कोई आदमी यदि 15 लाख रुपए महीने का कमा रहा हो कुछ मिनटों का काम करके, दिन में कितने घंटे काम करते थे इसमें तुम? हम नहीं काम करते, नहीं जो टैपिंग का काम, महीने में कितने घंटे का काम करते थे? 1-2 घंटे का, मतलब 2 घंटे में किसी को 15 लाख रुपए मिल रहा है, मतलब 1 घंटे का 7.5 लाख रुपए प्रति घंटा की इसकी कमाई थी। इतनी कमाई तो बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर लॉ प्रोफेशनल्स की नहीं होती। सर भवानी पीगा जो एरिया है, गांव है, ऐसे टैलेंटेड कितने लोग हैं वो पे नहीं जाते हैं? एक सुपर टैलेंटेड हमें मिला है, गांव को बदनाम नहीं करते, ये बोल रहा है तो मान नहीं लेते हैं। नहीं नहीं, सुपर टैलेंटेड बंदा हमें मिला है जो 7.5 लाख रुपए घंटे के हिसाब से कमाई कर सकता है, आज इसी को सम्मान दे हम। वो कर भी नहीं सकती ना, अभी आप ही ने कोई वेबसाइट बनाया है, उसमें एक डिजिट चेंज करके कोई बना रहा है, तो क्या कर लोगे? सुबह से आप दूसरे वेबसाइट से ही चेक करते रहोगे। मेन है कि जनता को इसमें जागरूक होने की जरूरत है कि वेबसाइट को कंफर्म करें, ऑथराइज वेबसाइट पे पेमेंट करें, ऐसे लोगों के पर्सनल अकाउंट पे ठगी वालों लोगों के झांसे में ना आए। तो हम लोग 2-3 चीजें करने वाले हैं, जिन कंपनियों का ये वेबसाइट बनाया था हमारा, उनपे वैसा कुछ लीगल उनका अकाउंटेबिलिटी है नहीं, लेकिन हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके ब्रांड को यूज करके आपके कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसके एहतियाती कदम जो भी टेक्निकल आप ले सकते हैं वो लीजिए। दूसरे, ये जो होस्टिंग वेबसाइट वगैरह है, होस्टिंग वेबसाइट में इनका उनके नाम का पेटेंट वगैरह का कुछ क्लॉज होता है, तो होस्टिंग वेबसाइट को भी हम इन्फॉर्म करेंगे कि आप वो क्लॉज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, ताकि इस तरह के स्पूफ अकाउंट्स नहीं बनते। तो हम अपने तरफ से दोनों से को कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? उसके बाद उनका रिस्पांस जैसा है उसके हिसाब से करेंगे, उनका KYC वगैरह देखेंगे कि KYC से सारा वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। ये जो होस्टिंग करते थे बाहर की कंपनियों में भी करते थे, सर्वर बाहर रखे थे, इंडिया में रखे भी नहीं थे, बट अपने तरफ से हम सबको कम्युनिकेट करेंगे, वो काम हम करेंगे। पैन कार्ड असली है कि नकली है? ओरिजिनल है। तो पैन कार्ड पर कितना पैसा आता है महीने का, साल का? तो 2.5 करोड़ कमाए हो तो कैश में की हो, तो कैश की कमाई है। देखो ना, 5 नए नोट हैं, उसको निकाल के लाए होंगे बैंक से। अब ये बहुत डिमांड में है, बहुत सारी पुलिस स्टेशन पूरे इंडिया के खोज रही है इसे। अरे भाई, मैं हूँ डॉन टाइप का हो गया है, तो पूरे दुनिया भर की पुलिस के 4-5 पुलिस स्टेशन, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, तमिल और तेलंगाना के, 17 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। वो हमें पता है, अभी तक उन्हें नहीं पता है। वो तो पूरे 28 राज्य होंगे, पूरे देश भर में इनका
लेकिन वो लोग और कुछ लोगों में नामजद आरोपी है, मिर्जापुर वाले केस में ये नामजद आरोपी है, उसके लिए पुलिस आई है, दो तीन बार भागा है लेकिन ये मान नहीं रहा है। ये तो कहाँ तो सज्जन आदमी है, पिछली बार भी इसके चक्कर में बेचारे इसके भाई और पत्नी को उठा ले गए ना, तुम तो भाग रहे हो लेकिन कोई पुलिस नहीं पकड़ पाई, छत्तीसगढ़ पुलिस कैसे पकड़ ली तुमको? हाँ क्या गलती कर दिए तुम जो पकड़ में आ गए? फोन चालू था। कौन सा फोन? मैडम कौन मैडम है भाई? ये वाइफ है, देखो उसी के फोन से ठगी भी जनाब। वो तो किसी को पता नहीं चलता है, कैसे पता चला? नहीं वो तो किसी पुलिस वाले को पता नहीं चलता है ना। तुम लोग क्या एहतियात बरतते हो सारा बताओ, तुम लोग पकड़ाए नहीं उसके लिए क्या क्या एहतियात बरतते हो जल्दी बताओ। फोन जो है ट्रैक होता है तो उसी लिए पकड़ा है। नहीं पकड़ा है उसके लिए क्या क्या एहतियात बरतते हो सब बताओ, पांच चीज बताओ। क्या नहीं पकड़ा तुमको पुलिस नहीं पकड़ पाई है उसके लिए बच के भाग जाते हो? क्या सावधानी बरतते हो तुम लोग? वही फोन बंद कर देते हैं, फोन बंद कर देते हैं और क्या करते हो? सर्विलेंस में नहीं रहते हैं। सर्विलेंस में नहीं रहते हो? अरे भाई और मतलब नेटवर्क में नहीं रहते, नेटवर्क में रहते ही नहीं है ये लोग। पुलिस आई जहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ता वहाँ भागते हैं ये लोग। जिस फोन से फ्रॉड करते हैं ना उसको एकदम सेपरेट रखते हैं और पर्सनल फोन को सेपरेट रखते हैं, ठीक है? जो फ्रॉड वाला फोन और सिम है वो ये उनका चर्न बहुत फास्ट है, अकाउंट भी हर हफ्ते 15-20 दिन में फोन भी फेंक देते हैं, सिम भी फेंक देते हैं, अकाउंट भी फेंक देते हैं। तो फोन की दुकान खोल लेते हैं या इतना फोन उसमें कोई आईडी, उसकी सारी आइडेंटिटी फेक होती है, केवाईसी सिम का भी फेक है, मोबाइल तो ऐसे ही छोटा सा है और अकाउंट की केवाईसी भी फेक होती है, तो वो कभी इससे लिंक नहीं हो पाएगा। जब तक इनका पर्सनल डिटेल कुछ नहीं मिलेगा ये इनकी अकाउंटेबिलिटी हट जाती है। अगर इनके घर में फोन नहीं मिला या फिर इनके पॉकेट से नहीं मिला तो ये हमेशा पल्ला झाड़ सकते हैं। देखना यार भाई कंपाउंडेबल टाइप का ना हो, जेल में रहे कम से कम, और धाराएं जोड़ना। सर आईटी एक्ट के बहुत सारे धारे जोड़ रहे हैं। हां आईटी एक्ट जोड़े ऐसे लोग बाहर ना निकल जाए। सर 50 थाने लेने आएंगे इसको, लोग लड़ 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 के मर जाएंगे। उसको सीफर को दे देंगे सर, सीफर को दे देंगे तो। अरे इसका तो यार फ्री में पूरा देश घुमाएगा ये तो, मतलब एक एक जेल घूमेगा। अरे भाई तो ऑल इंडिया रिटर्न हो गया, ऑल इंडिया सर्विस हमारी ऐसी फर्जी है, तुम तो रियल ऑल इंडिया हो। हमारे दो तीन बैचमेट्स कॉल किए हैं। ऐसा क्या लियो प्रार्थी वार्थी आ रहे हैं कि दूर में पकड़ लिया, टाइम भी मान लेंगे सबको। तुम तो खसमूत ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो देश भर में ठगी। लेकिन यार साउथ इंडिया में ठगी कैसे करते थे, वहाँ तो भाषा अलग है। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तुम तो कहीं जिसको थोड़ी बहुत भी हिंदी आती है उसको लपेट देते हो तुम लोग। क्या आदमी हो यार तुम लोग, ये तुम लोग अलग अलग भाषा सीखे हुए लोगों को रखते हो। मतलब सचमुच ये भारतीय है, एक राज्य को नहीं छोड़ा, तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक, इधर असम से लेके गुजरात तक, हर जगह ठगी की है इन लोगों ने। चलो थोड़ी हमारे जेल से शुरुआत करो, फिर बाकी जेल घूमना और बताना मुझे बाद में कहाँ का जेल अच्छा है, ठीक है? हाँ